पे काम कीजिए, मुजफ्फरपुर सुधा डेयरी के ठीक सामने आइए और ठीक अपोजिट में आके ऊपर चढ़ जाइए। गाइज वेलकम बैक टू नीतीश राठौर ब्लॉग्स। और आज के ब्लॉग में आपको ले चल रहे हैं एक नई जगह को एक्सप्लोर करने, और ये जगह है मुजफ्फरपुर में एक नया जो आया है पिज़्ज़ा का काउंटर आया है यहाँ पे, काफ़ी बेहतरीन पिज़्ज़ा लेकर आए हैं। तो इस पिज़्ज़ा का नाम है द लजीज़ पिज़्ज़ा, और ये इसका जो लोकेशन है ये है ब्रह्मपुरा नाका के पास, ठीक जो सुधा डेयरी आप देख रहे हैं उसके ठीक अपोजिट में आप देखेंगे तो ये है लजीज़ पिज़्ज़ा। तो आपको लेके चलते हैं किस तरीके से पिज़्ज़ा, ये न्यू स्टार्टअप ही है, कल ही शुरू हुआ है। इस कंपनी तो बहुत बड़ी है, इनफैक्ट बहुत सारे जगहों पे इनका है, लेकिन इस टाउन में पहली बार आए हैं। तो लेके चलते हैं आपको लजीज पिज़्ज़ा और दिखाते हैं कितना लजीज है इनका पिज़्ज़ा। तो बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में, मैं हूँ आपका दोस्त नीतीश राठौर। और चलिए आपको लेके चलते हैं, तो ये जो थाने के पास है, जैसे ही आप आ जाएंगे सुधा डेयरी से बिल्कुल सामने अपोजिट में आप देखेंगे तो यहाँ पे है। तो चलिए लेके चलते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर पे है, तो लेके चलते हैं आपको द लजीज़ और दिखाते हैं कुछ बेहतरीन शॉट। सीढ़ियों को भी सजाया गया है क्योंकि इसकी ओपनिंग कल ही हुई थी, तो आइए कुछ दिखाते हैं बेहतरीन नज़ारा आपको और लेके चलते हैं ऊपर द लजीज़ पे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं द लजीज़ पिज़्ज़ा, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बिल्कुल कल इसका जो है उद्घाटन हुआ है, कल ही स्टार्ट हुआ है, तो काफ़ी बेहतरीन रेड एंड वाइट का जो इनका जो ये कॉम्बो है, वॉल्स पे जो पेंटिंग देखने को मिली काफ़ी इम्प्रेसिव थी। आपको पीछे मैं दिखाऊँ जो कर्टन्स लगे हैं इनका भी रेड एंड वाइट का कॉम्बो है, और फॉर्चुनेटली आज मेरे जैकेट का भी रेड एंड वाइट ही कॉम्बो है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मैच करता हुआ चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। एक आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये ओवरऑल एक काफ़ी बेहतरीन आपको देखने का स्पेसिंग मिलेगा। अभी कल शुरू हुआ है तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक तक की बात नहीं होगी, लेकिन चलिए इस चीज़ को हम एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस किस चीज़ किस किस प्रकार के यहाँ पे आपको पिज़्ज़ा मिलेंगे और क्या क्या यहाँ पे उपलब्ध है और क्या प्राइस रेट है, तो सब पे करेंगे हम बात। तो बने रहिए इस ब्लॉग में मेरे साथ। पर्सनली मैं बताऊं तो मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था ये जो इनके जो कर्टेंस और जो यहाँ का जो पेंट, जो वॉल पेंट जो बनाया गया है, फिर वॉल पे जिस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है, ये काफ़ी आपको देखने को इम्प्रेसिव लगेगा। अगर आप इस साइड में देखें तो एक यहाँ पे वॉल पे साइकिल को दिखाया गया है, जो कि उसमें जो चक्का लगा हुआ है वो व्हील्स जो हैं वो भी पिज़्ज़ा के हैं, तो ये काफ़ी बेहतरीन मुझे लगा देखने को। आपकी मैं एक झलक दिखाता हूँ किस तरीके से कितना बेहतरीन देखने को मिलेगा ये। तो आई थिंक ये जो है ये आप देखें तो वॉल की जो पेंटिंग है ये मुझे काफ़ी बेहतरीन लगे। और ये जो आप कस्टमर्स देख रहे हैं, ये नए नए कस्टमर्स हैं, ये राठौर नीतीश राठौर ब्लॉक के जो हैं कि ये मालिक लोग हैं, ये शांत हमेशा शांत रहेंगे और जब तक हम लोग यहाँ पे हैं तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो अभी तक आप लोगों ने खाया होगा इस शहर में डोमिनोज पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा हट, काउंटडाउन, और ये इधर जो वन बाइट डाउनटाउन पिज़्ज़ा, वन बाइट पिज़्ज़ा। तो आज हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं लजीज़ पिज़्ज़ा को, और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है एक पिज़्ज़ा, तो आप देख सकते हैं शायद आपको दिखाई दे। आपको मैं ले चलता हूँ पिज़्ज़ा के पास और देखते हैं कि आज ये कस्टमर बैठे हुए हैं भाई साहब लोकेश कुमार सिंह,
और देखिए ये जो पिज़्ज़ा यहाँ पे है और पहली बार अपन लोग इसमें आए हैं और पहली बार एक्सप्लोर कर रहे हैं लजीज़ पिज़्ज़ा को, तो बताते हैं आपको किस तरीके से टेस्ट है, कितना बेहतरीन है, क्या कंपेसिबल है, क्या वर्दी है, जितना प्राइस इनका रखा है। वैसे भी इनका जो अभी फर्स्ट वीक जो है ऑफर प्राइस चल रहा है, तो आपको मैं बताऊँगा प्राइस लिस्ट के बारे में भी। उससे पहले आपको मैं बताता हूँ क्या टेस्ट है और कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा है, मज़ा आ रहा है। तो और भी इधर रिव्यू देने को बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा है आप लोग को भी। तो फर्स्ट डे है और टेस्ट अभी तक तो इन लोगों का रिव्यू बढ़िया रहा है। अब देखते हैं कि प्राइस के अकॉर्डिंग क्या टेस्ट है, क्या मार्जिन है। बताइए, एक मिनट बताइए सर, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा पिज़्ज़ा। हाँ, उतना दूर नहीं, अब नहीं जाना पड़ेगा, नज़दीक है। और नज़दीक अभी भी मन करेगा पिज़्ज़ा खाने का, तो अब डिस्टेंस वॉकिंग है, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस, आराम से आएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, घर जाएंगे। तो इनको अच्छा इसलिए लग रहा है वॉकिंग डिस्टेंस पे इनके घर से, और ब्रह्मपुरा नाका पे ठीक सुधा डेरी के ठीक सामने भी है, और टेस्ट में भी अच्छा है, प्राइस भी नॉमिनल है, ज़्यादा ऐसा भी है नहीं। तो मतलब कि आपके हिसाब से इसको मार्क दिया जाए तो 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में हम 10 नंबर देंगे, क्या है कि वहाँ जाने में बहुत चालान भी कट सकता है। ठीक, अच्छा, प्रशासन भी परेशान कर रही है, इनका चालान ना कट जाए, इसलिए जिसको 10 में 10 मार्क्स दे रहे हैं तो यहाँ पे आराम से पैदल भी निकल के आ जाएंगे शाम में घूमते हुए, और मास्क पहनेंगे तो चालान के भी चालान डर नहीं, आराम से खाएंगे जाएंगे घर। तो आइए बात करते हैं, आइए बात करते हैं नीतीश राठौर ब्लॉक के सुप्रीमो से, आशुतोष कुमार सिंह। और बताइए सर जी, आशुतोष जी कैसा लगा आपको ये? अच्छा था, एकदम लजीज टेस्ट था, लजीज पिज्जा का, लजीज पिज्जा का टेस्ट बिल्कुल लजीज है। और क्या कहना चाहेंगे, 10 में कितना नंबर देंगे आपके? आप लोग यहाँ पर लजीज पिज्जा का आनंद उठाइए, खाइए अपने दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, मजा लीजिए। हमारे भैया बैठे आप लोगों की सेवा में यहाँ पे, तो आपको लेके चलते हैं मैनेजर साहब के पास और बात करवाते हैं कि लजीज पिज़्ज़ा यहाँ पे खोलने का क्या रहा है, मतलब क्या क्या एम्बिशन है, कुछ तो गोल होगा, क्या पर्पस है यहाँ पे एक्सप्लोर करने का। तो बने रहिए मेरे साथ, कट कर, आ जाओ, क्लोज आ जाओ। तो अभी बात करते हैं यहाँ पे मैनेजर साहब से, पूछते हैं कब स्टार्ट हुआ है, क्या पर्पस है इसको खोलने का, तो इसको कब से स्टार्ट किए आप लोग? सर कल ओपनिंग था इसका, यानी कि 16 तारीख को। हाँ, 16 तारीख को। तो 16 तारीख को ही ओपनिंग हुआ, यानी कि ठीक पिछला कल, यानी कि कल ही। और ये यहाँ पे नया है, इस शहर में नया है या इसका दूसरा और भी ब्रांच है? नहीं, नहीं, मुजफ्फरपुर में पहला ही है, मुजफ्फरपुर में दल अजीज का ये पहला है। हाँ, और इससे और भी शहर में इसका ब्रांच होगा? हाँ, 150 प्लस आउटलेट्स हैं और काफ़ी क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है और वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पे मतलब बहुत वेरिएशन ऑफ प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, पिज्जा हो गया और भी क्या क्या चीज़ें? पिज्जा है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज है, फिर आपका चिकन नगेट्स है, चिकन फ्राई, आई मीन लॉलीपॉप है, आई मीन यू हैव ऑप्शन फॉर द ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बोथ। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस हैं, डिनर के हैं, लंच के ऑप्शंस हैं, तो ये मतलब एक बेहतरीन जोन है यहाँ पे। होम डिलीवरी अवेलेबल है, होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। ओके, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हैं डिलीवरी के? नहीं, उसका एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कितना रुपए का ऑर्डर करना? 300 प्लस आपको फ्री होम डिलीवरी। अच्छा, 300 प्लस जब आप बाई करेंगे तो आपका जो डिलीवरी है वो फ्री हो जाएगा, फ्री होम डिलीवरी हो जाएगा। तो चलिए, ये थी इनसे बातचीत और इनसे हमने जाना एम्बिशन के बारे में, और आपको देख आपके एक नज़र को लेके चलते हैं प्राइस चार्ट पे, जो कि फर्स्ट वीक में आपका ऑफ प्राइस चल रहा है। यस सर, तो फर्स्ट हमने ये जो लॉन्चिंग प्राइस है सर, जी लॉन्चिंग प्राइस डिस्काउंटेड है, तो अभी जो भी इनका जो प्राइस चल रहा है डिस्काउंट पे चल रहा है, और कब तक चलेगा? आज 17 तारीख है सर, एक हफ्ते तक, यानी कि 23-24 तक मान के चलते हैं कि प्राइस जो चलता रहेगा। तो ये डिस्काउंटेड प्राइस अभी चल रहा है ओपनिंग की वजह से, तो ये एक वीक तक चलेगा। तो आप अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो फर्स्ट वीक में आएगा, तो बिल्कुल आप ऑफ प्राइस में इस चीज़ को पाएंगे। तो आइए आपको बताते हैं एक ओवरऑल, जो थोड़ा बहुत आपको मैं बताऊं कि बर्गर्स का देख लें आप, तो यहाँ पे 69 से लेकर 99 तक के आसपास का आपको रेंज मिलेगा। और ग्रिल सैंडविच में अगर आपको बताएं तो इधर तो 69 से 69 का आता है सैंडविच वगैरह का जो रेंज है, इधर आप नॉनवेज बर्गर में, और सामने लिस्ट है आपके, आप देख लीजिए एक नज़र और फिर बस। तो चलिए, एक ये ओवरऑल व्यू था पिज़्ज़ा लजीज पिज़्ज़ा का, और यहाँ पे हम लोग आए आपको दिखाएं, यहाँ पे बिल्कुल ये नया है, कल ही खुला है, तो आप इस एरिया में हैं या फिर मुजफ्फरपुर के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो यही एक बेहतरीन पिज़्ज़ा का जोन हो सकता है आपके लिए। तो आप यहाँ पे आइए, एक्सप्लोर कीजिए, और चैनल पे हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम आईडी नीचे दिया गया है उसका लिंक, तो इंस्टाग्राम में फॉलो करना भूलिएगा नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ नीतीश राठौर ब्लॉग पे, मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद। yeah.